हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पॉइंट जॉब्स में। दोस्तों, डाक विभाग में निकली है सीधी भर्तियां। अगर आप है 10वीं पास या 12वीं पास तो आप कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए आवेदन। जी हाँ दोस्तों, इस पोस्ट की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इस पोस्ट के लिए ना तो आपको कोई इंटरव्यू देना है, नो इंटरव्यू नो एग्ज़ाम। ये दोस्तों सीधी आपकी जो मेरिट लगेगी वो आपकी 10वीं और 12वीं के बिहाफ पे लगेगी। खासकर अगर आपने 10वीं पास की हुई है तो आप इस नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें बिना कोई टेंशन के आपको नौकरी मिलेगी, भर्ती बिना परीक्षा के होगी। जी हाँ दोस्तों, 10,066 पदों के लिए, अलग अलग पदों के लिए ये वैकेंसी मांगी गई है। तो इस पोस्ट से संबंधित हम A to Z इन्फॉर्मेशन के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। इसका सैलरी पैकेज दोस्तों 12,000 से 18,000 और 18,000 से फिर दोस्तों 29,000 रुपये तक जाता है। क्या है इस पोस्ट में दोस्तों प्रमोशन के स्कोप, और कैसे सैलरी मिलती है, कितने घंटे काम करना होता है, और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, A to Z इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में हम जानेंगे। साथ ही साथ दोस्तों इसमें इस पोस्ट से संबंधित दोस्तों हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक पहलू के ऊपर बात करेंगे और जानेंगे दोस्तों कि ऑनलाइन अगर हमें इसका आवेदन करना है तो ऑनलाइन आवेदन हम किस तरीके से करेंगे। ये आप यहाँ पे फॉर्म देख सकते हैं इंडियन पोस्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें हम ये भी देखेंगे कि अलग अलग स्टेट के लिए, जैसे बिहार के लिए इसमें कितनी वैकेंसी हैं, गुजरात के लिए इसमें कितनी वैकेंसी हैं, ये सारी चीज़ें भी दोस्तों मैं इसमें आपको वीडियो में बताऊँगा। लेकिन इस पोस्ट को लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है कि ये पोस्ट किस लिए है, इसमें काम क्या करना होता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ये जो पोस्ट निकाली गई है पोस्ट ऑफिस द्वारा, इन पोस्ट पर आप किस पोस्ट पर दोस्तों नियुक्त होंगे या आपकी किस पोस्ट पर पोस्टिंग होगी, इस बारे में हम जानेंगे। इसमें दोस्तों बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। तो सबसे पहले हम समझेंगे फ्रेंड्स कि इसमें जो BPM होता है ये क्या होता है, ABPM क्या होता है, GDS MD क्या होता है, GDS MC क्या होता है, और GDS पैकर्स कौन होते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम पहले अच्छे से समझ लेंगे, उसी के बाद में हमें इसमें आवेदन करना है। दोस्तों इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर दें। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि BPM क्या होता है। जैसा आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, मैं इनको समझाने से पहले आपको नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये फ्रेंड्स इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि BPM यानी कि ब्रांच पोस्ट मास्टर के लिए इस पे वैकेंसी निकली हुई है, और इसके साथ साथ दोस्तों जो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर है उसके लिए भी निकली हुई है, और इसके साथ साथ में जो पोस्ट इसमें निकली हुई है दोस्तों वो निकली हुई है डाक सेवक के लिए। तो इन सारी पोस्ट को अच्छे से पहले हम समझ लेते हैं, फिर इसके लिए आवेदन का प्रोसेस क्या है, इसमें सैलरी क्या है और ऑनलाइन कैसे आवेदन करना है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों जैसा आपने अभी देखा कि नोटिफिकेशन में जो सबसे पहली पोस्ट है वो है दोस्तों BPM की। तो दोस्तों ये BPM की पोस्ट क्या होती है और इसमें क्या करना होता है। एक्चुअली आपने अपने गांव में, अपने ग्रामीण क्षेत्र में जो डाकघर देखे होंगे उन्हीं में दोस्तों ये पोस्ट होती है BPM की। इसकी जो फुल फॉर्म है वो ब्रांच पोस्ट मास्टर है। ब्रांच पोस्ट मास्टर दोस्तों किसी भी डाकघर में सबसे बड़ी पोस्ट होती है, सही है। ये एक तरीके से BPM का जो वर्क होता है वो पूरे डाकघर को एक तरीके से एडमिन करने का होता है, या आप ये कह लीजिए कि इसके नीचे जो जितनी भी ये पद हैं या जितने भी नीचे इसके पर्सन काम करते हैं उन सब का जो लीडर होता है, जो इन सब को लीड करता है वो दोस्तों BPM करता है। अब जैसा आप जानते हैं BPM के लिए भी इसमें पोस्ट निकली हुई हैं, सही है। दूसरी जो पोस्ट आती है वो आती है दोस्तों ABPM की। ABPM का काम क्या होता है, ABPM का काम जस्ट लाइक GDS MD की तरह होता है। तो ABPM यानी कि असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या GDS मेल डिलीवर, इनके काम दोस्तों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं। और काम क्या होते हैं, इनके काम होते हैं दोस्तों BPM को असिस्ट करना, सही है। अब
बीपीएम का मेनली काम क्या होता है, जैसे आपने बहुत सारे डाकघरों में देखा होगा जो आईपीपीबी होते हैं यानी कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक्स होते हैं, उन सब की देखरेख करना, और जो दोस्तों सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उन सारी स्कीम्स को, जो दोस्तों पोस्टल डिपार्टमेंट का काम होता है और पोस्टल डिपार्टमेंट का सेम काम दोस्तों डाकघर में होता है, सही है, उन्हीं को डाकघर में जो काम एलोकेट किया जाता है वो पोस्टल डिपार्टमेंट के थ्रू किया जाता है। तो जो सारा काम पोस्टल डिपार्टमेंट के अंदर होता है वो डाकघर के अंदर होता है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनको ग्रास रूट लेवल पर या ग्रामीण लेवल पर किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है वो सारा देख रेख जो करता है वो बीपीएम करता है, सही है। जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना, आपने नाम सुना होगा, आप पोस्ट ऑफिस में जाकर उसका अकाउंट खोल सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो दोस्तों आप अपने डाकघर में जाकर भी उसका अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और भी बहुत सारी सेविंग्स स्कीम होती हैं, जैसे एफडी अकाउंट्स ओपन होते हैं और दोस्तों आरडी अकाउंट्स ओपन होते हैं, पीपीएफ अकाउंट्स ओपन होते हैं, साथ ही साथ जो पोस्ट ऑफिस की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो भी दोस्तों डाकघर में चलाई जाती हैं, और उनकी देखरेख भी या उनके जो अकाउंट ओपन होते हैं वो भी बीपीएम करता है। अब दोस्तों ये जो जीडीएस एमडी यानी कि मेल डिलीवर होता है, इसका काम क्या होता है, इसका काम बीपीएम को असिस्ट करना होता है। लेकिन मेल डिलीवर का मतलब ये नहीं है कि ये घर घर जाकर जो मेल्स आती हैं, जो चिट्ठियाँ आती हैं, जो पोस्ट आती हैं उनको डिलीवर करना होता है, ये काम वो नहीं होता है दोस्तों। ये जितनी भी बीपीएम के अंदर काम जॉब प्रोफाइल्स होती हैं या जॉब्स होती हैं, जैसे सुकन्या समृद्धि योजना में अकाउंट खोलना हो गया या अलग अलग अकाउंट्स ओपन करने होंगे, वो सारे काम दोस्तों ये जीडीएस एमडी करता है, सही है, या हम कह सकते हैं कि वो सारे काम कौन करता है, एबीपीएम करता है, सही है। और जीडीएस एमसी यानी कि ग्रामीण डाक सेवा मेल करियर का काम क्या होता है, इसका काम होता है दोस्तों घर घर जाकर जो चिट्ठियां होती हैं, जो मेल्स होती हैं उनको घर घर पहुंचाना, सही है। और अब दोस्तों बात आती है कि जीडीएस पैकर का क्या काम होता है। जीडीएस पैकर दोस्तों इन सारी पोस्ट में सबसे लोअर कैटेगरी की जॉब होती है, सही है, और ये इन सबको असिस्ट करता है। और इसका काम होता है दोस्तों, जैसे एक बैग आता है डाकघर के अंदर, उस बैग के अंदर जितनी चिट्ठियाँ होती हैं उस बैग को ओपन करना, फिर उसके अंदर जो मौजूद चिट्ठियाँ हैं उनको सॉर्ट करना कि किस टाइप की चिट्ठी है और कहाँ जानी है, उन सब का काम जो होता है वो जीडीएस पैकर का होता है। तो आई होप दोस्तों आपको बीपीएम, एबीपीएम, जीडीएस एमडी, जीडीएस एमसी और जीडीएस पैकर का काम समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों जो बात आती है इसमें कि कितने घंटे काम करना होता है, इसमें मात्र 2 से 4 घंटे काम आपको करना होगा, सही है। ये इसलिए एक बहुत अच्छी जॉब मानी जाती है क्योंकि इसमें दोस्तों अगर आप 2 से 4 घंटे काम करने के बाद में इसमें आपको, अगर हम इन पोस्ट के बारे में बात करें तो इन पोस्ट की जो सैलरी होती है वो दोस्तों 10,000 रुपये से लेकर 14,000 रुपये तक होती है, और जो बीपीएम की सैलरी होती है वो दोस्तों बीपीएम की सैलरी लगभग 18,000 रुपये के आसपास तक पहुँच जाती है, सही है। तो इसमें 2 से 4 घंटे तक ही काम करना होता है। तो आप इसमें इस पोस्ट के लिए आवेदन करके आप इजीली अपनी पढ़ाई या अपना काम कर सकते हैं। ये एक तरीके से पार्ट टाइम जॉब होती है, लेकिन इसकी खासियत ये होती है दोस्तों कि ये एक सरकारी जॉब होती है। 65 साल के लिए आप इसमें कार्यरत होते हैं। हाँ, इसमें जो अलाउंस वगैरह होते हैं वो बहुत कम मिलते हैं, लेकिन ये दोस्तों जॉब जो होती है वो परमानेंट गवर्नमेंट जॉब होती है। अब इसकी दोस्तों प्रमोशन की बात करें तो प्रमोशन इसमें काफ़ी अच्छा होता है। अगर आप मान लीजिए किसी भी डिपार्टमेंट में, जैसे हमने अभी दोस्तों नीचे देखे थे कि जीडीएस एमडी या एबीपीएम अगर आप इसमें सेलेक्ट होते हैं तो इसमें 1 साल के बाद में जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम्स होते हैं आप उनको दे सकते हैं, और डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम देने के बाद में आप दोस्तों उसमें जो एमटीएस यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है उसके लिए आप अपॉइंट हो सकते हैं। और उसके बाद में जब आपको ये जॉब करते हुए लगभग 3 साल हो जाते हैं तो 3 साल के बाद में आप जो पोस्टल असिस्टेंट के लिए एग्ज़ाम्स होते हैं, जो एसएससी कंडक्ट कराती है, एसएससी सीएचएसएल के थ्रू जो कंडक्ट होते हैं, आप उसके लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं या एलिजिबल हो जाते हैं, और आपका जो प्रमोशन है वो दोस्तों एक तरीके से पोस्टल डिपार्टमेंट में इजीली हो जाता है। और सही मायने में इस पोस्ट को इसीलिए ज्वाइन किया जाता है ताकि आप प्रमोशन के थ्रू इजीली
आप GDS यानी कि ग्राम डाक सेवक से स्टार्ट करके कहाँ पहुँच जाएँ दोस्तों, पोस्टल डिपार्टमेंट में पहुँच जाएँ। तो इसलिए ये एक पोस्ट बहुत अच्छी मानी जाती है। अब अगर दोस्तों बात करें इसमें हम कि क्या ये पोस्ट लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए भी अच्छी होती है, तो ये पोस्ट दोस्तों इसमें जो पोस्ट है BPM की, वो पोस्ट फ्रेंड्स बहुत ही अच्छी होती है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी, क्योंकि ये घर में रहकर ही एक तरीके से काम करना होता है और इसमें दोस्तों ज़्यादा काम भी नहीं करना होता। 2-4 घंटे काम करने के बाद में वो इजीली अपने घर को भी देख सकती हैं या पढ़ाई करना चाहे तो पढ़ाई भी कर सकती हैं। इसको ज्वाइन करते ही दोस्तों प्रमोशन का, जैसे मैंने बताया है, सारा स्कोप बहुत अच्छा स्कोप इसमें होता है। अब दोस्तों अगर हम इसकी बात करें ज्वाइन प्रोसेस की, तो इसकी जो ज्वाइन प्रोसेस होता है वो क्या होता है, ये 10th के बिहाफ पे इसमें सिलेक्शन होता है। जितने आपके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स 10th स्टैंडर्ड में होंगे, उसी के हिसाब से आपके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसमें सिलेक्शन के। आपको क्या करना है, मैं अभी आपको ऑनलाइन आवेदन करने का, इसका सारे आवेदन इसमें ऑनलाइन ही मांगे गए हैं दोस्तों, तो ऑनलाइन आवेदन ही आपको करना है। और ऑनलाइन आवेदन करने के प्रोसेस क्या है और जब आपका सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या, वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों इसमें आपको 10th और 12th के अंदर, अगर आप 12th हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो मेरिट लिस्ट लगती है वो 10th के बिहाफ पर ही लगती है, सही है। और 10th में आपके पास में मैथ और इंग्लिश का होना कंपलसरी है। अगर आपने 10th अच्छे मार्क्स से मैथ और इंग्लिश के साथ में पास की हुई है, तो आप इस पोस्ट के लिए या इनमें से सभी पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, सही है। अब आपका इसमें ज्वाइनिंग कैसे होगी या आपको पता कैसे चलेगा, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में फ्रेंड्स आपको क्या करना है, उसके बाद में आपके मोबाइल पर एक SMS आएगा और उसके 2 महीने के बाद में आपके पास में सर्टिफिकेट आपका पहुंच जाएगा ज्वाइनिंग के लिए, सही है। और उसके बाद आपको, अब इसमें दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ये सारी डिटेल इसमें लिखी हुई है। आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पर क्लिक करके इस पोस्ट के बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन पढ़ भी सकते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, इसके जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो 5 तारीख से स्टार्ट हो चुकी है, 5 अगस्त से, और जो इसकी लास्ट डेट है वो है 4 सेप्टेम्बर, सही है। अब यहाँ जो ये पोस्ट निकली हैं वो निकली हैं बिहार, आसाम, गुजरात, कर्नाटक, केरला और पंजाब के लिए। यहाँ आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि कहाँ कहाँ और किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी पोस्ट हैं, वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो नीचे मैंने इसका लिंक प्रोवाइड करा दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसके बारे में A to Z इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए नीचे ये लिंक दिए हुए हैं, आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अगर आप नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं। तो अब हम क्लिक करते हैं दोस्तों अप्लाई ऑनलाइन पर, और इसका प्रोसेस जैसा आप जानते हैं, इसका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस यहाँ पे है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ पर आकर आपको रजिस्ट्रेशन अपना करना है। 10th पास आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो दोस्तों आपको किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, सही है। हाँ, अगर आप ज्वाइन करने के बाद में जो प्रमोशन का स्कोप होता है तो वहाँ ग्रेजुएशन काम आ सकती है, लेकिन स्टार्टिंग में ज्वाइनिंग के लिए आपको सिर्फ 10th की ही ज़रूरत होगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन दोस्तों आपको यहाँ पर फिल करनी है और उसके बाद में आपका यहाँ से ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा। 100 रुपये इसकी मात्र फीस है आवेदन करने की लेडीज़ के लिए, और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए दोस्तों इसको फ्री रखा गया है। और इसके साथ साथ आप इसके बारे में और भी अगर डिटेल में जानना चाहते हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट का भी लिंक मैं दोस्तों नीचे दे दूंगा, यहाँ पर जाकर आप A to Z इन्फॉर्मेशन इसकी देख सकते हैं। तो आई होप दोस्तों हमने इस वीडियो में इससे संबंधित सभी चीज़ों को कवर किया है। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल Exam Point Jobs को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में हमारी इस वीडियो को 1 लाइक भी जरूर दें। धन्यवाद।